सो चलिएगा, यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की जो केमिस्ट्री चल रहा था, पहला चैप्टर हमारा विलयन था, और मैंने उस विलयन में मैंने विलयन की डेफिनेशन बताई थी और वहाँ पर कुछ सांद्रताएँ निकालने के लिए बताई थी यूनिट, जैसे कि मोलरता हो गई, मोललता हो गई। तो ये सांद्रताएँ निकालने के लिए हमने कुछ बताई थी, सांद्रता मैंने कल बता दी थी। सांद्रताएँ क्या होती, सांद्रता कि एक लीटर अगर कोई विलयन लेते हैं या एक किलोग्राम कोई लेते हैं विलयन, उसमें जो हमारे विलेय के मोल घुले होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती थी, सांद्रता कहलाती थी। तो मैंने सांद्रताएँ अलग अलग तरीके से निकाली थी, जैसे कि मोलरता में सांद्रता निकालते हैं, तो मोलरता में सांद्रता निकालने के लिए मैंने बताया था कि एक लीटर अगर विलयन लेते हैं तो एक लीटर विलयन में हमारे क्या होंगे, विलेय और विलायक दोनों घुले होंगे। हमने कल बताया था कि जो विलयन बनता है वो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है, राइट। तो एक लीटर जो विलयन में जो विलेय के मोल घुले होते थे वो हम क्या कहलाती थी, हमारी मोलरता में सांद्रता कहलाती थी, ठीक है। और मोललता में क्या होता था कि एक किलोग्राम विलायक में, सिर्फ ओनली एक किलोग्राम विलायक में जो विलेय के मोल घुले होंगे तो वो हमारी मोललता में सांद्रता कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, आज बताने वाले हैं नॉर्मलता। सो देखिएगा यहाँ पर, सो नॉर्मलता में देखिएगा, नॉर्मलता में क्या होगा इसकी देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। नॉर्मलता में क्या है कि एक लीटर विलयन में, यहाँ लिखते हैं, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित, एक लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहेंगे, नॉर्मलता कहते हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मलता में सांद्रता निकालने के लिए क्या होगा कि एक लीटर जो विलयन होगा और इसमें जो विलेय के ग्राम तुल्यांक घुले होंगे, एक लीटर विलयन में जो विलेय के ग्राम तुल्यांक घुले होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसमें हम जो सांद्रता होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मलता में अगर सांद्रता निकालनी हो तो मुझे एक लीटर विलयन में जो विलेय के ग्राम तुल्यांक घुले हों तो इस तरह से जितने भी घुले होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता, राइट। सो देखिएगा नॉर्मलता को इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होगा हमारा नॉर्मलता का जो मात्रक है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रत्येक एक लीटर में जो ग्राम तुल्यांक घुले होंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होगी वही हमारी नॉर्मलता कहलाएगी, राइट। सो देखते हैं यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर देखिएगा, नॉर्मलता अगर निकालनी हो तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा क्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक चाहिए हों कितने पर, विलयन के एक लीटर में, विलयन का आयतन, क्योंकि जो आयतन होता है वो लीटर में होगा, तो विलयन का जो आयतन है किस में होगा, लीटर में। तो कह रहा है कि विलयन नॉर्मलता निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, विलेय के ग्राम तुल्यांक, और हमें कितने पर निकालना है, विलयन के आयतन लीटर से, राइट। तो कह रहा है कि विलेय के नॉर्मलता बराबर अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक चाहिए हो और क्या चाहिए हो, विलयन का आयतन लीटर, राइट। सो देखिएगा यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ देखिएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या होंगे, सो देख लीजिएगा विलेय के जो ग्राम तुल्यांक होते हैं, क्योंकि हम ग्राम तुल्यांक तो जानते नहीं हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांक बराबर जो होता है हमें क्या चाहिए होगा, विलेय का द्रव्यमान बटे के विलेय का तुल्यांकी भार, या तुल्यांकी द्रव्यमान भी कह सकते हैं। सो देखिएगा यहाँ पर अगर मुझे विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए होगा, विलेय का द्रव्यमान, वो भी किस में, ग्राम में चाहिए होगा विलेय का द्रव्यमान, और हमें विलेय का
तुल्यांकी द्रव्यमान, राइट, या तुल्यांकी भार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मलता जो होगी, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा कि विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह हम रख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो हम कह सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान वो भी ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान और इनटू में जो लिखा है विलयन का आयतन वो यहाँ रहेगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन किस में होगा, लीटर। ओके, सो ये हमारा नॉर्मलता बराबर हो जाएगा। देखिएगा नॉर्मलता को तो हम जानते हैं एन से प्रदर्शित करते हैं और मैंने बताया था विलेय के द्रव्यमान को W से प्रदर्शित करते हैं और विलेय के तुल्यांकी भार को या तुल्यांकी द्रव्यमान को कैपिटल ई से और विलयन के आयतन को लीटर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा नॉर्मलता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बाई ई इंटू के वी और यहाँ लीटर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल डब्ल्यू है ये हमारा क्या है, विलेय का द्रव्यमान और कैपिटल ई क्या है, विलेय का तुल्यांकी, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान और हमारा जो वी है ये हमारा क्या होगा, विलयन का आयतन। वी जो है क्या होगा, विलयन का आयतन, राइट, और इसको हम रखेंगे लीटर में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा इसका। सो देखते हैं यहाँ पर, सो देखिएगा नॉर्मलता बराबर हमारा क्या बन गया, विलेय का द्रव्यमान कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान ई इंटू विलयन का आयतन लीटर में, राइट। तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। सो देख लीजिए अगर विलयन का आयतन लीटर में ना हो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन जो है मिली लीटर में हो, राइट, तो यहाँ पर देखिएगा इस मिली लीटर को क्योंकि हमें निकालना है लीटर में निकालना है, क्योंकि एक लीटर जो विलयन होता है, एक लीटर विलयन में जो विलेय के ग्राम तुल्यांक घोले होते हैं उसी को तो नॉर्मलता कहते हैं, और यहाँ पर तो मिली लीटर में है, तो मिली लीटर को हम लोग जानते हैं कि लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग करेंगे, तो यहाँ पर 1000 का क्या करेंगे, भाग, तो ये चला जाता है ऊपर। तो इस तरह से नॉर्मलता जो बराबर हो जाता है विलयन का आयतन यहाँ मिली लीटर में होगा और यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा नॉर्मलता बराबर बन जाएगा, राइट। अगर आयतन मिली लीटर में होगा तो 1000 का हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होगा, राइट। सो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, राइट। चलिए देखिएगा अगर यहाँ पर कुछ देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट हैं, जैसे देखिएगा अगर हमारे एक लीटर विलयन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हों तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हम नॉर्मल विलयन, राइट, ठीक है। सो देख लीजिएगा यदि एक लीटर विलयन में एक ग्राम तुल्यांक घुले हों, विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक किसके होंगे, ये विलेय के होंगे, याद रखिएगा विलेय के 1 लीटर विलयन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो इसे नॉर्मल विलयन कहेंगे, किस तरह का विलयन कहेंगे, नॉर्मल विलयन, राइट, नॉर्मल विलयन कहते हैं। कह रहा है कि 1 लीटर अगर विलयन हो और 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम घुले हों, विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हों तो इसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारे विलेय के कितने घुले हों, आधे, यहाँ पर देखिएगा आधा नॉर्मल घुला हो, एन बाई टू घुला हो तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेमी नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि जो विलेय के कह रहा है कि जो नॉर्मल है वो आधा अगर घुला हो तो उसे हम सेमी नॉर्मल कहेंगे, और यहाँ देखिएगा अगर यही घुला हो एन बाई हंड्रेड तो इसे हम कहते हैं सेंटी नॉर्मल,
क्या कहेंगे, सेंटी नॉर्मल। और अगर यही एन बाई टेनवा भाग गुला हो, जो नॉर्मलता है वो 1/10 ग्राम तुल्यांक गुले हों, तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे क्या नाम, डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, राइट। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर आधा गुला हो, जो नॉर्मलता है उसकी आधी गुली हो, n बाई 2 गुला हो, तो उसे सेमी नॉर्मल बोलने लगते हैं। अगर यही n बाई 100 हो, मतलब जितनी नॉर्मलता उसका 100वां भाग गुला हो, तो उसे हम सेंटी नॉर्मल, और यही अगर 10वां भाग गुला हो नॉर्मलता का, तो इसे डेसी नॉर्मल, राइट। सो चलिएगा, देखिएगा यहाँ से, यहाँ कुछ न्यूमेरिकल हैं, देख लीजिएगा इससे रिलेटेड। कह रहा है कि यहाँ पर 4 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 मिलीलीटर, कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर सौ मिलीलीटर आयतन बनाया गया, 100 मिलीलीटर आयतन बनाया गया, 100 मिलीलीटर आयतन बनाया गया। तो कह रहे हैं इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें, नॉर्मलता ज्ञात करें। कह रहे हैं कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH को कह रहे हैं कि जल में घोला गया तो विलयन बन गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 ग्राम जब घोला गया तो विलयन बन गया, जल के साथ घोल करके कितना बन गया आयतन, 100 मिलीलीटर। तो कह रहा है कि इस विलयन की क्या बतानी, नॉर्मलता बतानी, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, तो देखिएगा नॉर्मलता मुझे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलता मुझे निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, पहले तो देख लीजिएगा, ऐसा और लिख लीजिएगा थोड़ा, और याद रखिएगा यहाँ ये मिलेगा तुम्हें न्यूमेरिकल में, यहाँ पर देखिएगा दिया होगा सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ये मिलेगा, राइट। और ऑक्सीजन का जो है, ये हमारा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो इस तरह से ये मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा मुझे नॉर्मल दिया क्या क्या है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 4 ग्राम है, और विलयन बन गया 100 ग्राम, तो जल हमारा क्या होगा, विलायक होगा, और 4 ग्राम हमारा जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये विलेय होगा, राइट। तो इस तरह से पहचानना होगा विलयन में कौन विलेय होगा और कौन विलायक। मैंने कल बताया था कि जो विलयन में जिस अवयव की या जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। तो 4 ग्राम NaOH है और यहाँ पर बन गया 100 ml, तो बाकी जो होगा 4 ग्राम क्या है, हमारा जो बाकी होगा वो हमारा क्या होगा, जल होगा, तो जल एक हमारा विलायक होगा और 4 ग्राम क्या है, ये विलेय होगा, राइट। NaOH क्या होगा, विलेय होगा। तो हम कह सकते हैं कि NaOH का द्रव्यमान जो है ये हमारा क्या होगा, विलेय होगा। यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, NaOH का जो द्रव्यमान है कितना दिया है, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, दिया है 4 ग्राम दिया है, ठीक है। और इसको जो आयतन बन गया हमारा 100 ml, 100 मिलीलीटर क्या है, ये बिलियन का आयतन बन गया, राइट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बिलियन का जो आयतन है, आयतन को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कितना है, 100 मिलीलीटर है, राइट। और क्या क्या है, तो मुझे देखिएगा नॉर्मलता निकालनी है, क्या निकालनी है, नॉर्मलता। सो देखिएगा नॉर्मलता जो है एन हमको क्या करना है, निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क, राइट। सो देखिएगा यहाँ पर नॉर्मलता मुझे निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलता बराबर जो होता है, अगर निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए होगा, विलेय का द्रव्यमान चाहिए होगा, वो भी ग्राम में, बटे विलेय का तुल्यांकी, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, राइट। ये क्या चाहिए, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू के विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन क्या होगा, कितना होगा, ये लीटर में रखा जाएगा, राइट। नहीं होगा तो हम लीटर में बदल लेंगे, राइट। सो देखिएगा
दिया क्या क्या है, विलेय का द्रव्यमान कौन है, विलेय NaOH है, ये हमारा कितना दिया है डब्लू ग्राम। लेकिन विलेय का ये तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है इसको तो मैंने बताया नहीं, तो देख लीजिएगा किसी का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर, अगर विलेय का निकालना है तो विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर होता है, तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। चलिए मैं इधर लिख के दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। तुल्यांकी विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे के यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ पर देखिएगा संयोजकता, राइट। सो देख लीजिएगा यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के क्या चाहिए होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणु भार, और मुझे इसको डिवाइड करना होगा किससे, संयोजकता, या इसी को एन फैक्टर बोलते हैं। ये क्या होती है कि जैसे अम्ल होगा तो अम्ल हमारे जितने हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा उतने ही हमारे क्या होगी, हमारी संयोजकता होगी, राइट। या हम कह सकते हैं कि देखिएगा जब यौगिक होगा, हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे देख लीजिएगा HCl है, तो HCl जो है इसमें कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिएगा इसकी संयोजकता निकालेंगे तो ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूटेगा जब जल में घोलते हैं, तो ये जितने हाइड्रोजन होते हैं वही हमारी क्या होती है, इसकी संयोजकता, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो भी धनायन या ऋणायन होता है वही इसकी संयोजकता, राइट। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी HCl की, एक हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और यौगिक हैं, कुछ लवण हैं, जैसे कि Na2SO4 है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Na धनायन और ये टूट जाएगा सल्फेट 2 ऋणायन। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन लिए गए हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसकी संयोजकता दो और इसकी एक है, तो यहाँ पर N फैक्टर लिए जाएंगे, इसकी दो है तो यहाँ भी क्या होगी, दो। तो यहाँ पर संयोजकता इस तरह से निकाल के रखेंगे, ध्यान से समझ लो Na2SO4 में क्या होता है कि सल्फेट ये अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए दो सोडियम आयन है, तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी है, N फैक्टर मतलब यहाँ पर दो लिए गए, एक की एक होती है तो यहाँ पर दो लिए गए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दो, यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो देख लीजिएगा विलेय का कह रहा है मोलर द्रव्यमान बटे के, यहाँ पर लिख सकते हैं N फैक्टर लिख देंगे, यहाँ पर N फैक्टर, इसमें हम N फैक्टर भी लिख सकते हैं। और अच्छा N फैक्टर होता क्या है कि जब भी कोई यौगिक होता है उसको जब तोड़ेंगे आयनों में, तो इस तरह से जैसे यहाँ देखिएगा यहाँ पर दो ऋण आयन है, सल्फेट ऋण आयन में टूटा, इसकी संयोजकता दो होती है, सोडियम की संयोजकता एक है। तो यहाँ पर जो N फैक्टर लिए गए हैं सोडियम धन आयन के, वो हमारे क्या, एक सोडियम के एक होते तो दो लगाए गए तो दो होगी, यहाँ पर N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, दो। तो इस तरह से हमें क्या होगा, ये हम निकालेंगे N फैक्टर, राइट। सो चलिए देखेगा यहाँ पर मुझे यहाँ पर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर अगर देखिएगा मुझे क्या करना है, नॉर्मलता निकालनी है, तो मुझे चाहिए विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान मुझे दिया है 4 ग्राम, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ नॉर्मलता को एन से, तो विलेय के द्रव्यमान को यहाँ पर रख सकते हैं 4 ग्राम बटे के, यहाँ पर देखिए विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, मुझे तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना तो मैं निकाल सकता हूँ। विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, मुझे चाहिए विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे के N फैक्टर। तो देखिएगा विलेय जो कौन है NaOH, तो यहाँ पर NaOH का जो मोलर द्रव्यमान है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पर NaOH का जो मोलर द्रव्यमान होगा, कल मैंने बताया था मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि जितने भी परमाणु होते हैं किसी यौगिक में, हम सबके परमाणुओं के परमाणु भार को योग करते हैं। तो सोडियम हमारे एक परमाणु, इसका परमाणु भार 23 है, 23 है। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, इसका 16 होता है। हाइड्रोजन है, इसका एक होता है। तो ये आ गया हमारा 40, राइट। कितना आ गया, 40 आ गया। तो ये मोलर द्रव्यमान आ गया, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, और दूसरा है मुझे चाहिए क्या होगा, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान के लिए क्या चाहिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान बटे के N फैक्टर। तो हम यहाँ कह सकते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान 40 है। अब N फैक्टर क्या होता है NaOH का, देखिएगा NaOH जो है इसको अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Na धनायन और OH ऋणायन। तो इसके N फैक्टर की वैल्यू कितनी है, जो धनायन है वही होती है। तो यहाँ पर कितना है, एक है। तो इसकी हमारी N फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो ये निकल आएगा, एक का डिवाइड करेंगे 40 में तो ये आ जाएगा 40, तो ये आ गया हमारा तुल्यांकी द्रव्यमान, राइट। सो यहाँ पर देखिएगा मुझे रखना क्या है, तुल्यांकी द्रव्यमान तो मैंने रख दिया, कितना आया 40 आया, इंटू बिलियन का आयतन हमारा कितना दिया है, ये दिया है 100 ml, तो हम रख सकते हैं बिलियन का आयतन 100 ml है, लेकिन मिलीलीटर को जब लीटर मतलब 1000 का भाग करें तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसका 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर हम 1000 का जब मिलीलीटर दिया हो तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारा, देखिए 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, 10 से 10, तो ये बचेगा 4 से ये डिवाइड हो जाएगा एक बार, 4 × 4 यहाँ बचेगा 1, तो यही, और इसका मात्रा क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 1 लीटर में कितने ग्राम घुले, बिले के कितने ग्राम तुल्यांक घुले, 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, राइट, इसके लिए, तो ये हमारी क्या होगी, नॉर्मलता होगी। सो यहाँ पर देखिएगा, चलिएगा और देख लीजिएगा इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल हैं। सो देखिएगा अगला है, कह रहे हैं कि 500 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होगा यहाँ पर HCl, तो कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 18.25 ग्राम घुले हैं, तो कह रहा है बिलियन की नॉर्मलता बताइए, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 500 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने ग्राम घुले हैं, यहाँ पर 18.25 ग्राम घुले हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलकर बिलियन बनाया गया तो बिलियन कितना बन गया, 500 मिलीलीटर, और उसमें कितना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोला गया, 18.25, तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारा क्या होगा, विलेय होगा, और दूसरा जो होगा जल हमारा विलायक होगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर नॉर्मलता निकालने के लिए, और देख लीजिएगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और क्लोरीन का 35.5, ये हमको मिलेगा न्यूमेरिकल में, राइट, इसके हमें क्या है, ये हमको मिलेगा। सो चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ भी मुझे नॉर्मलता निकालने के लिए n बराबर मुझे चाहिए होगा विलेय का द्रव्यमान w बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू बिलियन का आयतन लीटर में, राइट, ये हम अभी बता चुके हैं, राइट। सो देखिएगा यहाँ पर अगर मुझे तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए होगा, ये मोलर द्रव्यमान को m फिर से प्रदर्शित करते और n फैक्टर, राइट। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिएगा यहाँ पर मैं निकाले दे रहा हूँ, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान जो एम डैश निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ मोलर द्रव्यमान, मैं बता चुका हूँ मोलर द्रव्यमान मैं पिछली वीडियो में, यहाँ देख लीजिएगा इसको एम डैश से प्रदर्शित करेंगे, तो मैंने कहा कि किसका निकालना है, यहाँ पर कौन है विलेय, मुझे विलेय का चाहिए मोलर द्रव्यमान, विलेय है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला होता है HCl, राइट। तो मैं मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं कि जो भी परमाणु किसी भी यौगिक में जो परमाणु होते हैं उन सबके परमाणु भार को योग कर देते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु 1 है प्लस क्लोरीन का परमाणु भार कितना है 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5, तो ये मोलर द्रव्यमान एम डैश हो गया हमारा 36.5, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो मोलर द्रव्यमान मुझे निकालना, तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर, तो मोलर द्रव्यमान तो आगे 36.5 बटे एन फैक्टर क्या होगा, जैसे HCl है तो इसको अगर हम तोड़ेंगे जल में घोल करके तो ये टूटेगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो इसमें जो H प्लस आयन की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि 1 धन आयन है तो इसकी एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1, तो तुल्यांकी द्रव्यमान जो आएगा वो आएगा 36.5, क्योंकि 1 का भाग करेंगे 36.5 में तो इतना ही आएगा, राइट। तो मुझे देखिएगा नॉर्मलता निकालनी है,
तो नॉर्मल तक लिए चाहिए मुझे विलेय का द्रव्यमान। अब यहाँ देख लीजिएगा विलेय का द्रव्यमान यहाँ दिया क्या क्या है, मुझे 500 मिलीलीटर, ये क्या है मिलीलीटर में जो होता है वो विलयन का आयतन होता है, 500 मिलीलीटर ये आयतन होगा राइट, और हमारा जो ग्राम होगा वो द्रव्यमान होगा, ग्राम में जो चीज़ दी होगी वो क्या होगा ग्राम द्रव्यमान होगा राइट। सो देख लीजिएगा यहाँ पर कह रहा है 500 मिलीलीटर विलयन है, तो मतलब कह रहा है कि विलयन का जो आयतन है वो हमें कितना दिया है, विलयन का जो आयतन है जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं ये दिया है मुझे 500 मिलीलीटर राइट। अच्छा यहाँ पर और क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना है, HCl का द्रव्यमान कितना दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो द्रव्यमान है जो कि W से प्रदर्शित करते हैं ये 18.25 ग्राम है राइट। ठीक तो देख लीजिएगा रख दीजिएगा, नॉर्मलता मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान विलेय कौन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि कितना दिया 18.25 राइट, अब बटे में तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया 36.5 राइट। तो इसको देखिएगा विलयन का जो आयतन है वो कितना दिया हमारे 500 मिलीलीटर, लेकिन रखना किस में हमें यहाँ पर लीटर में रखना है, तो ये तो दिया मिलीलीटर में, जब मिलीलीटर में दिया हो तो ये हम बताया मैंने बताया था कि 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे राइट, तो ये क्या होगा इस तरह से करेंगे। सो देख लीजिएगा इसका क्या करेंगे, दो बार चला जाएगा ये चला जाएगा यहाँ पर देखिएगा पॉइंट जब हटाएंगे यहाँ पर 18.25 है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, दो जीरो बढ़ जाएंगे, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगी 10 हो जाएगा राइट। तो ये चला जाएगा ये हमारा कितनी बार जाएगा यहाँ पर, इसको देखिएगा 10 से 10 कैंसिल करेंगे और यहाँ लिखेंगे मैं 1825 बटे के 365 और ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा ये 10 राइट। तो यहाँ देखिएगा अगर इसको ऐसे लिख देंगे 1825 इंटू के 2 बटे के 3610 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3650, ये चला जाएगा दो बार, दो का डिवाइड करेंगे दो में तो वो हो जाएगी हमारी एक नॉर्मलता। तो यहाँ भी हमारी कितनी आएगी एक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो यहाँ भी कह रहा है कि प्रत्येक एक लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं एक राइट। तो ये हमारी क्या होगी नॉर्मलता राइट, तो ये हमारे क्या है नॉर्मलता से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ओके और देख लीजिएगा करेगी अगला, और देख लीजिएगा एक करेगी ऑक्सैलिकम इसका फॉर्मूला है C2H2O4 इंटू 2H2O ऑक्सैलिकम लेके 0.1 नॉर्मल विलयन बनाने के लिए के लिए 250 मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर में कितने ग्राम घोलना पड़ेगा, कितने ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घोलना पड़ेगा राइट। कह रहा है कि ऑक्सैलिक अम्ल के 0.01 नॉर्मल विलयन बनाने के लिए, यहाँ पर आपकी बार नॉर्मलता दी है तो कह रहा है कि 0.01 नॉर्मल विलयन बनाने के लिए 250 मिलीलीटर में कितने ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल और जल के साथ बनाया गया, ऑक्सैलिक अम्ल लिया गया और वाटर के साथ घोला गया और यहाँ पर आयतन बनाया गया 250 ml और मिलाया गया, तो पता नहीं यहाँ पर ये पता नहीं है कि कितना ऑक्सैलिक अम्ल मिलाया गया, तो यहाँ पर दिया है नॉर्मलता कितनी बन गई 0.1। ओके सो देखिएगा यहाँ पर पहले तो यहाँ ये देखिएगा ऑक्सैलिक जो अम्ल है यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, कार्बन का जो परमाणु हर 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इस तरह से ये मिलेंगे राइट।
सो देख लीजिएगा यहाँ पर पहले तो दिए गए यहाँ नॉर्मलता दी है हमारी कितनी दी है 0.1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यहाँ पर नॉर्मलता कितनी दी है ग्राम तुल्यांक प्रति 0.1 राइट। और यहाँ पर आयतन जो दिया है 250 मिलीलीटर क्या है ये हमारा बिलियन का आयतन है तो हम कह सकते हैं बिलियन का आयतन जो है वी है जो कि 250 मिलीलीटर दिया है ये हमको आयतन दिया है राइट। और यहाँ पर मुझे नॉर्मलता यहाँ पर पूछा गया है कि कितने ग्राम ऑक्जेलिक हम घोलना पड़ेगा मतलब यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल जो है C2H2O4 × 2H2O का द्रव्यमान पूछा है कितना होगा W निकालना है मुझे ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मुझे और निकालने के लिए क्या चाहिए होगा तो मैं पहले यहाँ पर निकाले ले रहा हूँ मैं ऑक्जेलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान तो यहाँ देख लीजिए C2H2O4 × 2H2O का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे क्या करेंगे कार्बन का हमारा देखिए सबका हम परमाणु भार जितना होता है योग करते हैं कार्बन का परमाणु भार 12 है लेकिन यहाँ पर कार्बन के 2 परमाणु हैं इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 है हाइड्रोजन हमारा कितना है यहाँ पर 1 है तो मैंने लेकिन यहाँ पर 2 परमाणु है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 परमाणु से इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है हमारा 16 होता है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे राइट। और इसके बाद प्लस ये हमारा जल है जल का परमाणु भार जल का जो आता है हमारा जल के 2 अणु हैं एक जल के अणु का जो परमाणु अणुभार होता है वो 18 होता है और इस तरह से 2 जल के अणु हैं तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाए ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 और 2 कितना हो जाए 18 लेकिन 2 अणु हैं जल के तो 18 × 36 हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 24 ये हो जाएगा 2 प्लस के ये हो जाए 64 ये हो जाएगा 36 और इनको सबको योग करेंगे तो आएगा 126। तो ये अणुभार आ गया हमारा 126 आ गया 126 राइट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मुझे तुल्यांकी द्रव्यमान क्योंकि नॉर्मलता निकालनी है तो मुझे चाहिए होगा तुल्यांकी द्रव्यमान। सो देख लीजिएगा यहाँ पर जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है C2H2O4 × 2H2 इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं C OOH तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं C OOH का होल ट्वाइज भी लिख सकते हैं × 2H2 और इसकी जो संयोजकता होती है या आयन फैक्टर की वैल्यू होगी इसकी संयोजकता होती है 2 क्योंकि C OO- + 2H और H प्लस आयन ये टूटेगा राइट। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर इसकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है तो यहाँ पर जो होगा एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो देख लीजिएगा यहाँ पर नॉर्मलता निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में और लीटर में अगर नहीं होगा अगर ये मिली लीटर में दिया होगा तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे अगर मिली लीटर में दिया होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट। सो देखते हैं यहाँ पर मुझे तुल्यांकी द्रव्यमान की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ तुल्यांकी द्रव्यमान क्या हो तो मोलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर राइट। एन फैक्टर क्या होता है यही बैलेंस ही होती है यहाँ पर 2 है तो इसलिए एन फैक्टर की वैल्यू 2 होगी। तो मोलर द्रव्यमान कितना आया 126 आया और एन फैक्टर की वैल्यू 2 आई तो यहाँ से तुल्यांकी द्रव्यमान निकल आएगा ये आएगा 263 आ जाएगा तो तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया 63। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तो नॉर्मलता मुझे निकालना क्या है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान निकालना है क्या निकालना है विलेय जो ऑक्जेलिक अम्ल लिया गया है कि कितने ग्राम तो यहाँ कह सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान मुझे निकालना है ठीक है ना। तो यहाँ लिखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का मुझे क्या निकालना है द्रव्यमान निकालना राइट क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा यहाँ पर नॉर्मलता मुझे कितनी दी है 0.1 दी है विलेय का जो विलेय है ऑक्जेलिक अम्ल हमारा निकालना है द्रव्यमान कितना है बटे तुल्यांकी द्रव्यमान मैंने निकाल लिया 63 आया इंटू आयतन हमारा कितना दिया है 250 लेकिन लीटर मतलब 1000 का गुणा करें तो ये 250 जाएगा 1000 में 4 बार जाएगा भाग तो ये बचेगा 0.1 W बटे के यहाँ पर 63 इंटू हो जाएगा 4 तो W बराबर हम करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63 इंटू 4 बटे के
और यहाँ पर सॉरी ये ऊपर है, चार चार ऊपर है यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा W बराबर करेंगे तो 63 इंटू के 0.1 अपॉन के 4, राइट। तो इसको देखिएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई ये हो जाए 6.3 बटे के 4, और इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, और ये बचेगा 4 पंचे 20, और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो ये आएगा लगभग W आएगा 1.575 ग्राम। तो यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल जो है कितना घोलना पड़ेगा, 1.575 ग्राम, राइट। कितने के लिए, 0.1 नॉर्मलता बनाने के लिए यहाँ पर जो विलेय लिया गया ऑक्जेलिक अम्ल वो 1.575 ग्राम घोलना पड़ेगा, राइट। तो ये थे हमारे नॉर्मलता और नॉर्मलता से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अगला है मोल प्रभाज या मोल अंश, इसी को मोल अंश भी बोलते हैं। अच्छा, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है? देखिएगा, जो बिलियन होते हैं, बिलियन में हमारे हमने कहा था, पहले पढ़ाया था, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द्विअंगी बिलियन, मतलब दो अवयव होंगे, दो पदार्थों से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर मोल प्रभाव जो निकालते हैं ये एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी अवयव का अगर हमें मोल प्रभाव निकालना हो तो उस अवयव के मोलों की संख्या और डिवाइड में रखते हैं, और किन के बीच निकालते, बिलियन में पहुँचते सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाव। सुन लीजिएगा, मोल प्रभाज मुझे निकालना हो तो देखिएगा, बिलियन में हमें किसी अवयव का मोल प्रभाज निकालना हो तो उसके मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज, राइट। तो ये एक अनुपात है, किनका अनुपात, जिस अवयव का निकालेंगे मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, और किसके बीच निकालें, बिलियन उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहेंगे मोल प्रभाज। सो देख लीजिएगा यहाँ पर, सो बिलियन में उपस्थित, बिलियन में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का, किसी अवयव का मोल प्रभाज, बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या, उस अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या, की संख्या को क्या कहेंगे, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, या मोल अंश कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। क्या कह रहा है कि बिलियन में उपस्थित, देखिएगा ये अवयव क्या है, यहाँ पर जो मोल अंश है ये एक रेशियो है, दो अवयव हैं उनमें जिस अवयव का मोल है, मोल प्रभाज निकालना उस अवयव के मोल और किन के बीच का, बिलियन उपस्थित सभी अवयवों के मोलों के बीच का, ये क्या होगा, रेशियो। तो हम यहाँ कह सकते हैं, सो देख लीजिएगा, माना कि इस बिलियन में दो अवयव हैं, सपोज दैट, देख लीजिएगा, जैसे कि ये हमारा कोई बर्तन है और इसमें हमने ले लिया, यहाँ पर दो अवयव ले लिए, राइट, जैसे कि चीनी हो गई और चीनी को पानी में घोल रहे हैं, तो ये हमारा पानी भरा हुआ है, तो एक अवयव क्या हो गया, चीनी हो गई, दूसरा अवयव क्या हो गया, पानी हो गया, और इसमें ये चीनी को घोल रहे हैं, घुलने के बाद जो दो अवयव बन, ये बन गया हमारा बिलियन। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इस बिलियन में दो अवयव हैं, मुझे किसी अवयव का जो मोल, किसी अवयव को मोल प्रभाज निकालना है तो उसके मोल और रहेगा किसके बीच, बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों के बीच का रेशियो। सो देख लीजिए, माना कि बिलियन में कैपिटल ए तथा
कैपिटल बी दो अवयव है, एक मान लिया मैंने दो अवयव, दो पदार्थों से मिलियन बनाया गया, एक ए है और बी, दो कह रहा है कि माना कि विलयन में दो अवयव हैं, ए तथा बी दो पदार्थ हैं या दो अवयव हैं, राइट। ए के स्मॉल एन मोल बोले हैं, स्मॉल एन मोल, तथा कैपिटल बी के कैपिटल एन मोल बोले हैं, मोल भुले हुए, कह रहा है कि यहाँ पर दो अवयव लिए हैं, एक ए लिया गया है और एक बी लिया गया है, और इनके मोल भी भुले हैं, जो कैपिटल ए है इसके स्मॉल एन मोल भुले हैं, और जो कैपिटल जो बी है उसके कैपिटल एन मोल भुले हैं, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे निकालना है क्या, यहाँ पर देखिएगा ए का मोल प्रभाज निकालना है, ए का मोल प्रभाज, तो मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो मुझे किसके बीच का रेशियो रखना है, ए के मोल, ए के मोल और बटे में एक एक बिलियन में उपस्थित सभी अवयव, कौन कौन है, ए है और ए के मोल प्लस के बी के मोल, बी के मोल, राइट। क्या होगा, मुझे अगर ए का मोल प्रभाज निकालना है या मोल अंश, इसी को मोल अंश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल अंश, राइट। मुझे ए का मोल अंश निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए होगा, ए के मोल और डिवाइड में किसके रहेंगे, ए प्लस बी के मोल, राइट। इस तरह से सो देखिएगा मोल अंश अगर ए है तो देखिएगा मोल अंश को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, अगर ए का मोल अंश है तो मैंने ए बना दिया, यहाँ पर एक्स किसको प्रदर्शित करता है, मोल अंश को मैं लिख दूंगा, और मुझे देखिएगा ए के मोल हमने क्या माने थे, यहाँ पर स्मॉल एन है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्मॉल ए के जो है मोल स्मॉल एन है, यहाँ पर भी स्मॉल एन हो जाएगा, और बी के मैंने माना था कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा मोल प्रभाज जो ए का है वो क्या हो जाए, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा किसका, ए का। इसी तरह से मुझे बी का मोल प्रभाज निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए होगा, बी का मुझे मोल प्रभाज निकालना हो तो मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, बी के मोल, बी का मोल प्रभाज, बी का जो मोल प्रभाज है इसे हम x और b से डिनोट करेंगे, तो मुझे चाहिए होगे बी के मोल, बी के मोल और बटे में रहेगा ए के मोल, ए के मोल प्लस के बी के मोल, यह मोलों की संख्या। इस तरह से मुझे अगर ए का मोल प्रभाज निकालना तो ए के मोल बटे में कुल अवयव जो विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या, यहाँ बी का मोल प्रभाज निकालना तो बी के मोल बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयव ए प्लस बी के मोलों की संख्या, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमें बी का जो मोल प्रभाज है, बी का जो मोल प्रभाज होगा एक्स से प्रदर्शित करते हैं, बी का निकालना है तो मैं बी का मोल प्रभाज रख रहा हूँ यहाँ पर, बराबर होगा क्या, बी के मोल, बी के मोल माना तो मैंने कैपिटल एन, और यहाँ पर ए के मोल स्मॉल एन और बी के मोल क्या है कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बी के मोल प्रभाज, राइट। तो विलयन में किसी का भी मोल प्रभाज निकालना हो मुझे तो इस तरह से निकालेंगे, राइट। और देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, अच्छा विलयन में जो भी होगा, देखिएगा विलयन में जितने भी अवयव होंगे सभी अवयवों के मोलों का जो मोल प्रभाजों का योग होगा वो एक के बराबर होता है, राइट। कैसे होगा देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ, जो ए के मोल प्रभाज है मैंने माना, ए के मोल प्रभाज क्या थे स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, और जो बी के मोल प्रभाज हैं वो क्या है स्मॉल एन सॉरी कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस के कैपिटल एन। अगर मुझे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों को मोल प्रभाज का योग देखना है तो देखिएगा मुझे यहाँ पर जो ए का मोल प्रभाज जो है ए बी का मोल प्रभाज प्लस बी करेंगे, इस तरह से करेंगे तो देखिए ए के मोल प्रभाज क्या है स्मॉल एन वाई स्मॉल एन प्लस के कैपिटल एन, और ये बी का मोल प्रभाज है ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एन वाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और देखिएगा इनको अगर हम रेशियो इनका लेंगे अनुपात लेंगे तो ये होगा स्मॉल एन वाई कैपिटल एन, इसका डिवाइड करेंगे तो वन टाइम्स जाएगा, वन का मल्टीप्लाई एन में करेंगे एन आएगा, और ये इसका भी इसमें डिवाइड करिए एक बार जो एक का गुणा एन में करेंगे तो ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा इन दोनों का योग जो आएगा इस तरह से आएगा, और ये हमारा कैंसिल हो जाए एक टाइम वन बार आएगा तो ये आएगा एक के योग,
तो कहने का मतलब है कि विलयन में जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग होगा वो किसके बराबर होगा, योग होगा वो एक के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल प्रभाज का योग, मूल अंश का योग एक के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है, राइट। तो इस तरह से मुझे इन दोनों में से किसी का भी निकालना हो, जैसे कि एक्स ए प्लस के एक्स बी बराबर किसका है, मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना हो तो मैं बी के माइनस कर दूंगा। यहाँ देख लीजिएगा, मुझे वन में से एक में से मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना है तो जो बी के मोल प्रभाज जो दिए गए होंगे वो एक से माइनस कर देंगे तो वो ए का मोल प्रभाज निकल आएगा, और मुझे अगर बी का मोल प्रभाज निकालना होगा तो मैं एक से ए के मोल प्रभाज को माइनस कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से निकल आएगा। तो यहाँ कह सकते हैं एक्स ए क्या है, विलय का अवयव ए का मोल प्रभाज, दो अवयव लिए गए थे ए और बी, अवयव ए का मोल प्रभाज और एक्स बी क्या है, अवयव बी का मोल प्रभाज, राइट। तो कह रहा है कि जो एक्स है और ये स्मॉल एन क्या है, ये विलय के मोल हैं, विलय के क्या है, अवयव ए के मोल हैं, अवयव ए के मोल, ए के मोलों की संख्या है, और कैपिटल एन क्या माना मैंने, अवयव बी के मोलों, बी के मोलों की संख्या, राइट। तो इस तरह से ये हमारा होगा।